एनिमल गेमिंग शायद आपको नजर आएंगे। कोशिश अच्छी थी यहाँ से, लेकिन अब एक एक करके सब प्लेयर्स लॉबी छोड़ते नजर आएंगे। हाइड्रा के भी खिलाड़ी क्रॉल करते करते आगे आने की कोशिश, बट जैक्सन बहुत बढ़िया अपनी टीम को आगे तक का सफर तय कराने में एक बढ़िया रोल उनका। बट इमोजी चौथे स्थान पर उनका एलिमिनेशन, बट अब आखिरी स्थान पर आ चुके हैं, आखिरी चरण पे हम आ चुके हैं। यहां से अगर हम टीम्स की बात करें, एक तरफ टीम फॉरएवर है, एक तरफ आपको टीम आरू के क्या खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और शायद एक टीम आपको यहां से नजर आ जाएगी, टीम अपराइजिंग राइवल। जी हाँ, मुझे लगा नहीं था शायद, बट जी हाँ, तीन टीम्स आपकी स्क्रीन के सामने, बट अभी के लिए एक अच्छा एक्सेस टीम फॉरएवर के पास बना हुआ है। एब्सोल्युटली, हमने बात करी थी टीम फॉरएवर के लिए एक मौका बन सकता है कि वो ग्रैंड फाइनल्स या फिर वीक टू फाइनल्स में प्रवेश करे। एक चिकन लेने से बेहतर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अपने आप को देश के सामने ऐलान कर देने का। स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा, यमजे दूर दरार एक स्प्रे कनेक्ट करेंगे, क्यों लमाओ यहाँ पे टेकडाउन हो जाएंगे, और प्राइजिंग राइवल्स को धाराशाही करते हुए विदाउट एनी सेकंड हेजिटेशन बस एक खिलाड़ी बचे जिनका नाम होगा जैक्सन। और मुझे लगता है टीम फॉरएवर काम तो ऑलमोस्ट तमाम हो चुका है गेम्स, अब बस फॉर्मेलिटीज की बारी है। बट जैक्सन एक नया इंक्लूजन भी हो सकते हैं, और जिस प्रकार खेल रहे, तीन फ्रैग ऑलरेडी जैक्सन के खाते में, अपराइजिंग राइवल कोशिश काफी बेहतर, जी हां उन्होंने अंक भी निकाले, 10 अंक तो चलिए निकाल के, बट जैक्सन आपके ऊपर एमजे ने धावा बोल दिया, और यहां से अगर जैक्सन को फ्रैग देना चाहे दे जरूर सकते हैं, और जी हां नॉकआउट निकाले, बट कंफर्मेशन क्या निकाल पाएंगे, शायद